पिछले 5 वर्षों में कुशासन एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रही राजस्थान की कांग्रेस सरकार से मुक्ति एवं भाजपा के सुशासन वाली सरकार लाने के संकल्प हेतु निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा के अजमेर पहुंचने पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार कमल प्रकाश कृष्णानी ने सभी समाजों के प्रमुख पदाधिकारियों के नेतृत्व में स्वामी कॉम्प्लेक्स परिसर के बाहर भव्य मंच बनाकर अभूतपूर्व स्वागत किया। यात्रा के प्रभारी महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान की सह प्रभारी विजया राहटकर एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सांसद CP जोशी, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी सहित प्रदेश में स्थानीय नेताओं का भाजपा राजस्थान प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने शहर की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों के साथ भव्य स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा करते हुए स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मान किया। यात्रा की स्वामी परिसर पहुंचने पर हजारों की संख्या में उपस्थित विभिन्न समाज, व्यापारिक, धार्मिक, राजनीतिक, उद्योग जगत, खेल जगत से जुड़े लोगों के साथ युवा एवं महिलाओं ने परिवर्तन यात्राओं को फूलों की वर्षा कर लाद दिया। स्वागत में मराठी समाज से जुड़े पुरुष एवं महिलाओं ने अपने प्रिय नेता देवेंद्र फडणवीस एवं अन्य मेहमानों का मराठी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। सभी मराठी समाज के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर स्वागत करने के लिए उत्सुक नजर आए, जिससे गदगद होकर उन्होंने महिलाओं का अभिवादन भी स्वीकार किया। स्वागत स्थल पर एक विशाल LED स्क्रीन के माध्यम से भाजपा सरकार के विगत 9 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाया गया। इसके साथ ही प्रदेश भर में विभिन्न दिशाओं से निकाली गई चारों परिवर्तन संकल्प यात्रा की उपलब्धियों को भी दर्शाया गया। स्वागत में शहर से जुड़े विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि परिवर्तन सभा में केसरगंज की ओर ढोल नगाड़ों के साथ कूच करने के लिए रवाना हुए। और इतनी बारिश में भी यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें और बंधुओं, मैं तो केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी में बसने वाले लोगों को प्रणाम करने के लिए आया हूँ, नमस्कार करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, एक ऐतिहासिक नगरी है, ये वीरों की नगरी है, एक और जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि जिसने मुगलों को दांतों तले चने चबाने को मजबूर कर दिया और मोहम्मद घोरी को दिखा दिया कि जब पृथ्वीराज चौहान मैदान में उतरते हैं तो कितनी भी फौजें आ जाए उनको कोई रोक नहीं सकता, ऐसी ये नगरी है। आज सुबह हमने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और वहां पर ब्रह्मा जी से केवल इतना ही आशीर्वाद मांगा है कि राजस्थान वासियों को अब गहलोत की सरकार से मुक्ति दो और राजस्थान वासियों को मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार अब बहाल कर दो, इतना ही हमने निवेदन किया है। और राजस्थान की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। और जो कहते हैं जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है और हम चल पड़े हैं, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और 2023 में राजस्थान में कमल खिलाएंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ की गई, 4 अलग अलग स्थानों से इसको प्रारंभ किया और आज अजमेर के इस सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी में प्रवेश कर रही है। अजमेर के में हम लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसको सब जने कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस क्षेत्र के जो 68 नंबर, जो मैं इस क्षेत्र में 68 नंबर में रहता हूँ, उस 68 नंबर क्षेत्र के भी सभी कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे पास में रेमंड्स के शोरूम के जितने भी मालिक और उनके सभी सदस्य हैं और तनिष्क शोरूम है उनके भी सभी और स्वामी कॉम्प्लेक्स के जितने भी व्यापारी गण हैं वो हम लोगों के साथ में यहाँ पे हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है उसके खिलाफ में पूरे राज्य भर के अंदर माहौल बन चुका है, सिर्फ परिवर्तन करने की देरी है और आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डले ऐसा आप लोगों से निवेदन भी है। और समय, परिस्थितियां जिस तरीके की रहती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार हर चीज का, अजमेर की मूलभूत समस्याओं को भी हम लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए, उनके ऊपर भी
आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जो जमाना है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, परंतु हमारी जो समस्याएं 75 सालों में इस शहर की समस्याएं नहीं निकलवाई, चाहे वो पानी है, बिजली है, सड़क है, उन सब चीज़ों पर कोशिश कर सकती थी।